जयपुर के कन्हैया लाल का एक छोटा और सुखी परिवार था। पत्नी, 4 साल का बेटा और 6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन 14 अप्रैल 2013 को जब कन्हैया लाल मोटरसाइकिल पर परिवार के साथ अपने ससुराल जा रहे थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी। एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। कन्हैया लाल बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी पत्नी और 6 महीने की बच्ची जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे। कन्हैया लाल और उनके बेटे ने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई। वे चीखते रहे, पुकारते रहे। पैर में गंभीर चोट होने की वजह से बार बार खड़े होने की कोशिश में वो लड़खड़ाकर गिरते रहे। लगभग आधे घंटे तक अनगिनत लोग वहां से गुजरे, अनेक गाड़ियां गुजरी, लेकिन एक भी इंसान ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जब तक पुलिस वैन वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कन्हैया लाल की बेटी और पत्नी दम तोड़ चुके थे। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं पीयूष तिवारी, जो सेव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर हैं। पीयूष जी, क्या बात है, क्या ये हम अक्सर देखते हैं एक्सीडेंट्स में कि लोग घायल पड़े हैं और कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है? हाँ जी, ये बहुत बहुत कॉमन अकरेंस है। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जिसमें कहा गया है कि करीब 50% लोग जो हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं वो सिर्फ इस कारण मरते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है। और तो ये औरत बचाई जा सकती थी अभी? बिल्कुल, अगर समय पर चिकित्सा मिलती, अगर सही टाइम पर जो आसपास खड़े लोग हैं वो अपना रोल प्ले करते, अगर टाइम पे एम्बुलेंस फौरन हॉस्पिटल ले जाते। बिल्कुल। आपके साथ भी एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ इस किस्म का, उसके बारे में हमें बताइए। जी, मेरे एक छोटे भाई थे, छोटे कजन थे, वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और एक जीप जो थी वो जोर से आई, टक्कर मारी उनको और टक्कर मार के भाग गई। मेरे ख्याल से 350-400 लोग वहाँ से गुजरे होंगे या वहाँ पर उनमें से कई लोग वहाँ पर रुक के देख रहे थे, लेकिन कोई भी सामने उनकी मदद करने नहीं आया। उन्होंने एक पुलिस या एम्बुलेंस को फ़ोन तक नहीं किया और करीब 45 मिनट बाद वो इतना खून उनका बह चुका था कि वो वहीं स्पॉट पे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जब ये मुझे पता लगा तब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सेंस आया कि थोड़ा रिसर्च करा जाए, क्या हुआ क्या है ये। उस समय मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं एक संस्था शुरू करूँगा और उस संस्था के थ्रू मैं इस मुद्दे पे काम करूँगा। और सबसे पहला जो हमने काम किया वो ये कि हम पता लगाएंगे कि लोग क्यों नहीं आगे आते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ट्रेन क्रैश हो जाती है, लोग मदद करते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, तो सबसे पहले जो मदद करने वाले होते हैं वो आसपास वाले ही लोग होते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के केस में यही लोग झिझकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मदद करेंगे तो उनके साथ शायद जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है और जो पुलिस की क्वेश्चनिंग है, हॉस्पिटल में उनको रोक लिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे जाते हैं, उन कारणों की वजह से लोग जो हैं वो झिझकने लगे हैं अब आगे आने से। उनको डर लगता है कि वो फंस जाएंगे इसमें। बिल्कुल। तो उनके लिए भी कानून बनना चाहिए कि अगर मैं किसी की मदद करूं तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, क्या है, विदेशों में उन्होंने अपने देश में एक गुड समैरिटन लॉ इंट्रोड्यूस करा हुआ है। जो लोग मदद करना चाहते हैं, जो हेल्प कर सके, उनको इतनी तसल्ली हो कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। बिल्कुल।